सो गाइस ट्रेनिंग हुई अपनी कंप्लीट और जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्कआउट रहा और ट्रेनिंग करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया भैया के साथ। तो अब टाइम है अपनी फिजिक अपडेट का। तो जैसा कि आप सभी को पता है अपने कॉम्पिटिशन में रहते हैं मात्र 10 से 12 दिन। तो आज से मैंने डाइट में कुछ चेंजेस करे हैं, जैसे जीरो कार्ब्स कर दिए बिल्कुल और अपना सॉल्ट कर दिया बिल्कुल बंद। तो ट्राई करेंगे कि जो मेरी अभी की कंडीशन है आप लोग जज करोगे, कमेंट करोगे, शायद ये वीडियो आप 5 से 7 दिन बाद देखोगे। चेस्ट का वर्कआउट करा है तो अभी जल्दी से कंडीशन अपनी रिवील नहीं करेंगे, तो 3 या 4 को मैं आपको बॉडी दिखाऊंगा। तो अभी करेंगे अपने 7 कंपल्सरी पोजेस भैया के साथ, और एक सीनियर हैं बॉडी बिल्डर हैं अच्छे हमारे, और बड़े भाई वाला इनसे प्यार भी है, तो जो भी बताएंगे सही बताएंगे, और मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं। भैया कितना टाइम हो गया आपको बॉडी बिल्डिंग करते हुए? मेरे को यार परसों मैं बोल रहा था 22 हो गए, फिर अगम बोल पड़ा पापा 24 हो गए। 24 साल हो गए, मतलब मेरी एज से 2 साल ज़्यादा भाई को बॉडी बिल्डिंग जीते हुए हो गए। तुम यानी 2 साल के थे जब? हाँ, जब मैं मुझे रेड चार्टर डोल रहा हूँ, जब रेड साफ करता घूम रहा हूँ हाथों से। नितिन 2 साल का था जब मैं पहली बार जिम गया। यस, तो मेन मेरा ये है कि किसी सीनियर से अगर आपको कुछ सीखने को मिले, ये मेरे से एज में भी सीनियर है, बड़े भाई वाला इनसे प्यार है, और जिस लाइन में मैं अभी एंटर हुआ हूँ शायद उसके ये एक लेजेंड बॉडी बिल्डर है अपने इंडिया के बहुत ही, तो मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है। और मेरा वो है कि भैया मैं लिमिटेड लोगों से मिलता हूँ, जितना मुझे सीखने को मिले उतना मैं चीज़ें दिमाग में ज़्यादा रखता हूँ और कैमरे पर कम रखता हूँ। मैडम मुझे तो ये लगता है जो लेजेंड वर्ड है ना इसका मजाक बना के रख दिया है। हाँ वो तो किसी को मेरी आज तक हाँ मुझे लगता है लेजेंड अगर बनने का अधिकार या कोई है तो भगत सिंह जी जैसे जो लोग हैं जो छोटी नहीं वो अपने उसमें हो गए। हाँ। देखिए वो अपने उसमें हमारी फील्ड में जैसे कि बहुत ही कम लोग हैं जो 24-25 साल से कम्पीट कर रहे हैं, आप उनमें से एक हो। ये तो है, आपकी एज का मुझे कोई मतलब एज तो भी मैं बहुत गलत शायद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपके जो टाइम पे आपके साथ एथलीट थे उनमें से आप मुझे एक नाम गिना दें कि मेरे साथ अभी लास्ट ईयर आप कंपटीशन खेले हो कोई खेला है। तो उसका बस एक ही रीज़न है कि मुझे अभी अगले साल फिर खेलना है, तो उसके लिए मतलब वही जो हम बात कर रहे थे राउंड में जितनी भी घटनाएं घटती रहें बट तुम्हें कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ता है, तब जाके फिर आप कम्पीट करते हो या कॉम्पिटिशन जीतते हो, बट लोग फिर भटक जाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं एक बार ना। चलो फोटो जब फरारी लाल थी डबल बाइसेप फ्रंट डबल बाइसेप फोटो जब फरारी लाल थी पर मैं तो बड़े दिन हो गए, मतलब अपनी फिजिक तो देखने के लायक ही नहीं है अभी, बट किसी बॉडी बिल्डर को इतनी पास से देखा नहीं। अब मुझे लग रहा है मेरी वो मेमोरी रिकॉल कर रहा हूँ मैं, अच्छा इतना बड़ा सा भी इंसान होता है। चलो साइड चेस्ट लैट स्प्रेड दबाना है उसे। गुड बैक डबल बाइसेप्स, और तुम्हारी अब की बार बैक बहुत अच्छी थी, मतलब इतना मैं वीडियो में देख के समझ पाया बट बहुत अच्छी थी। कोनी थोड़ी नीचे दबा दबा दबा, एक तो ऐसे नमक छोड़ रखा आदमी ने फिर पोजिंग करवाना। वेरी गुड लैट स्प्रेड बढ़िया बढ़िया साइड ट्राइसेप तो कोई दिखा दो हाँ।
मोस्ट मस्कुलर वन। गुड। क्या लगी क्या क्या करना चाहूँगा? हाँ। ओह सांस चल गई। हाँ पोजिंग में ज़्यादा एक्सरसाइज में कम पोजिंग में ज़्यादा जान लगती है भाई। क्या कमी है? नहीं कमी तो कुछ नहीं है, मसल की वॉल्यूम ठीक है और क्वाड्स भी मेरे को तो अभी ठीक लग रहे हैं, लास्ट टाइम से बहुत अच्छे हैं। और सिमेट्री अगर मैं लगाऊं बैक लेट स्प्रेड फ्रंट सेम है, साइड चेस्ट, तो मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई मसल वीक लगा। बस अभी जो से 12 दिन है तो थोड़ा वाटर रिटेंशन है हल्की सी, ठीक है, तो वो वाटर रिटेंशन मतलब इस लेवल पर फैट तो होने का मतलब ही नहीं है ना, बट थोड़ी वाटर रिटेंशन है बस। और वो भी मेरे को लगा कि लेग्स पे कम है और थोड़ी इधर एरिया में ज़्यादा है, थोड़ा चेस्ट में और फाइबर आ जाएंगे, बट आई थिंक वो तो 12 दिन अब तुम करोगे ना, तो अब बेसिकली तो अब तुम्हारा डिप्लीशन फेस शुरू होगा ना। हाँ तो 12 दिन तुम्हारा फोकस बस यही होना चाहिए कि मुझे अब वो डिप्लीशन अच्छे से करनी है। अब डिप्लीशन में जो जो नमक छोड़ना जैसे भी जो जो भी तुम करते हो वो करो, बाकी तो मतलब मेरा बॉडी वेट 4 किलो और डाउन जाएगा। तुम्हारा कितना अभी बॉडी वेट कितना है? 115। अच्छा 114 है, 4 किलो डाउन मारूंगा। और पिछली बार तुम कह रहे हो अभी एशिया में कितना था? एशिया में मैंने वेट लिया था 110, ऑन स्टेज था 107, तो यानी तुम 7 किलो एक्स्ट्रा हो अभी। हाँ तो अगर सोच 5 किलो भी पानी निकलेगा तो ये पानी है, पानी है थोड़ा ना। हाँ बस वो पानी निकालने की जरूरत है, बाकी तो आई थिंक सॉर्टेड है, बढ़िया। मेरे को करनी पड़ेगी रेटिंग, 10 में से कितनी रेटिंग है? 10 में से कितनी रेटिंग अभी के हिसाब से या कंपटीशन की है? 10 में से 8.5। चलो मैं ये डेढ़ कोशिश पूरी करूंगा कि जाने से पहले मैं 8.5 भी इसलिए बोल रहा हूँ कि बस अगर आप लेट्स से डिप्लीशन कर लोगे तो ऑन स्टेज आप, ये कहूँ मैं किसी से कम्पीट ना करो, अपनी बेस्ट फॉर्म टिल डेट दे सकते हो तभी 10 में से 10, मतलब एशिया से 10-15% बेटर। अगर चीट ना हो तो एशिया से मुझे इतना लग रहा है कि अगर मुझे 10-12 दिन सीधा, बट मतलब तुम ये कह रहे हो तुम अभी चीट करोगे? मेरा हो जाता है ऐसा है कि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा भी दिमाग में कुछ आया, सीधा मैं भगता हूँ खाने की तरफ कि खाना खाओ। तो 12 दिन मेरे पास रह ले, 10-12 दिन अब बिल्कुल दिमाग को शांत, मतलब 10-12 दिन नहीं, मतलब कितने दिन रहेंगे, 5 की फ्लाइट है ना, 28 होगी, 6 दिन, 6 दिन मुझे कंट्रोल रखना है अपने ऊपर बस, उसके बाद एक बार यहाँ से निकल गए तो फिर तो मैं फिर नहीं खाऊंगा कुछ भी। तो इसको 6 दिन कमरे में बंद करो भाई, कौन रहेगा 6 दिन? आप रहोगे? कॉम्पिटिशन होता है जब कहीं ना कहीं जब नमक छोड़ दिया आएगी। क्या क्या आएगी मतलब? कुछ भी आएगी, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ऐसे आएंगे तो पास। हाँ मुझे लग रहा था मेरे पास ही आ रही है प्रॉब्लम सारी। ना ना सबके साथ, अभी मैंने बताया सही, सबके साथ प्रॉब्लम है और जिसके साथ प्रॉब्लम नहीं है तो वो जीवन ही नहीं जीएगा, मतलब वो ऐसे टाइम पास, तो टाइम पास करो लोगों को, वो वाले तो मतलब मैं तो बहुत जीवन जी रहा हूँ हैं सबके साथ, आपसे एक दो हाथ नीचे में हूँ। एक मेन हुआ है ना, कैमरे में अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा शो ओपनली नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो रोना धोना है और जो भी प्रॉब्लम्स है वो कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो सबके साथ है। मेन आपसे भी इतनी मोटिवेशन मिलती है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, कोई से भी पूछ लो, तो लिमिटेड एल्स देखो बस आप उनको कि जिनसे आपको मोटिवेशन मिले, उनको मत देखो वो जो गाली गलौज करें, या जिनसे आपके मेन जिनकी वीडियोज आप अपनी फैमिली के सामने ओपनली ना देख सकें, मेरा ये मानना है। अभी मैं पीछे से थोड़ा सा भारी हो गया था, भारी मतलब कहने का शरीर से दिमाग से कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहा है, मैंने कहा सर के पास जाने का टाइम आ गया, तो सर के पास बैठा, 3 घंटे बात करी, जैसे ऑफिस से निकला इतना हल्का हल्का सा लग रहा है, तो सर ने सेम बात बोली कि ऐसा इंसान में कोई मतलब ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अराउंड में समस्याएं नहीं हैं, बस उन समस्याओं से बच के कितना शांत रख सकते हो अपने आप को, तो वो है आपका कैरेक्टर, अगर उसमें तुमने शोर मचा दिया तो दैट मीन्स तुम दिमागी तौर से अभी विकसित नहीं हुए, तो तुम्हें और थोड़ा विकसित होने की ज़रूरत है। तो मैं तब से वे एक बात तो ठान ली है भाई, ये तो चलता ही रहेगा यार, अपना एक्सरसाइज करो, काम देखो, और दूसरा एक और है कि मैं सभी से बस ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक बेस्ट चीज़ इम्प्लीमेंट करी है अभी रिसेंटली 2 साल से,
और सोचो मैंने बहुत लेट करी है क्योंकि मुझे लेट ही पता चला। उसका बेस्ट तरीका यह है कि जो आज बेस्ट कर सकते हो तुम वो कर लो, कल की जो कल आएगा उसकी मत सोचो और जो चला गया उसकी भी मत सोचो। तो पास्ट और फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है। तो सर ने इतनी अच्छी बात बोली कि अभी एक घंटे पहले मैं जो तुमसे बात कर रहा था वो क्या था। मैंने कहा सर वो तो पास्ट हो गया अब। तो बेसिकली जितने जो, और बहुत मुश्किल है ये, जितने लोग प्रेजेंट में जी सकते हैं कि अभी मुझे नितिन से बात करनी है तो मैं अच्छे से कर लूँ, नितिन चला जाएगा तो उसके बाद मुझे जो करना है वो अच्छे से कर लूँ इन्वॉल्व होके, तो और जिसने प्रेजेंट में रहना सीख लिया और प्रेजेंट में छोटे छोटे अपने काम करने या कुछ भी जो भी कुछ करना है तो उसका फ्यूचर ब्राइट 100% है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये दिमाग फ्यूचर, यार कल को क्या होगा, अरे यार ये पास्ट में मुझसे ये गलती हो गई, उन दोनों में इतना उलझ जाता है कि जो प्रेजेंट चल रहा होता है वो प्रेजेंट उसके हाथ से फिर फिसल जाता है। बाकी तो तुम कॉम्पिटिशन जीतो, जीत के आओ और मौज मनाओ, बस खाओ पियो, खाने पीने का जीवन भाई, अब इस जीवन में कुछ नहीं होता, पहनना खाना और घूमना ही बचेगा बस। और तुम तो खा, मैं तो दही तोड़ दूंगा खाने ये बहुत खाएगा भाई। तो ये थी अपनी बॉडी की कंडीशन, अच्छा लगा भाई से भी मिल के, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो करता हूँ ये वीडियो यहीं ख़त्म, आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, आपका अपना चैनल है। बाकी थैंक यू भैया, आपने बहुत बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बस अब अपने 10-12 दिन रह गए ना, अच्छे से अपने आप को पुश करते हैं और आई होप कि आगे भी अच्छा ही हो, खुश रहें, खाते पीते रहें, मौज में रहें। लव यू आप सभी।